यूपी में माफिया मुख्तार अंसारी के ठिकानों पर बीते दिनों ईडी ने छापेमारी की थी। इस छापेमारी के बाद अब ईडी पंजाब का रुख करेगी। बताया जाता है कि ईडी पंजाब में मुख्तार की संपत्तियों को खंगालने की तैयारी कर रही है। पंजाब में मुख्तार अंसारी अपने साले शहजाद के जरिए रियल एस्टेट का कारोबार करता था, जिसके बाद पंजाब की रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार ने अकूत संपत्ति बनाई थी। बताया जाता है कि पंजाब की रोपड़ जेल में 10 आईपीएस अफसर मुख्तार अंसारी की खातिरदारी करते थे। सरकार बदलने के बाद जेल मंत्री हरजोत बैंस ने सीएम भगवंत मान को भेजी रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा किया था, जिसके बाद जेल में यूपी के माफिया मुख्तार को वीआईपी सुविधाएं आईपीएस अफसर दिलाते थे, जिसका खुलासा करते हुए जेल मंत्री ने कहा था कि सिर्फ नाम के लिए मुख्तार अंसारी जेल में बंद था। जेल में बने अफसर क्वार्टर में माफिया मुख्तार अंसारी ऐशो आराम से रहता था। मुख्तार के साथ उसकी पत्नी भी जेल में रहने आया करती थी। जेल मंत्री की रिपोर्ट पर पंजाब के सीएम ने 3 अफसरों की जांच कमेटी बनाई थी, जिसके बाद जेल मंत्री हरजोत बैंस ने इस संबंध में पंजाब विधानसभा में इस पर बयान दिया था। वहीं 2 दिन पहले मुख्तार अंसारी के करीबियों के यहाँ लखनऊ समेत कई शहरों में ईडी की छापेमारी हुई थी। सूत्रों के अनुसार ईडी ने छापेमारी के बाद 100 से अधिक बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज, बैंक से जुड़े दस्तावेज और अन्य प्रपत्र बरामद किए हैं। बताया जाता है कि उसके करीबियों के 11 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इस कार्रवाई में बेनामी संपत्तियों को अलग अलग नामों से गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक खरीदे जाने की भी बात सामने आई है। उनसे बेनामी संपत्तियों और बैंक खातों में हुए लेन देन को लेकर सवाल जवाब होंगे। बताया जाता है कि छापेमारी में कई संदिग्ध कागजात और अन्य जानकारियां भी मिले हैं।